Well, he has a unique style, and I'm sure that you guys will appreciate it as soon as he gets on the mic. Hussein, my ladies and gentlemen, please give a big round of applause. मेरे पास कोई दस मुंह वगैरह नहीं है, मैं जैसे मुशायरों में शेर वगैरह सुनाते हैं, कुछ गजल के मतलब चार पांच चंद शेर उस तरह से सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसा कि रोहिणी ने कहा, बिहाइंड एवरी पोएम इज अ गर्ल, एक गजल मैंने कॉलेज गया था तब पहली पहली लिखी थी। एक बंदी थी जिसको भाव दे रहा था और मुझे भाव दे रही थी, तो ऐसा है कि अपने चेहरे से हर नकाब हटा के मिलते हैं, अपने चेहरे से हर नकाब हटा के मिलते हैं, आके एक बार जरा दिल मिला के मिलते हैं। अपने चेहरे से हर नकाब हटा के मिलते हैं, आके एक बार जरा दिल मिला के मिलते हैं। तू एक जुगनू है पर इतना गुरूर है तुझको, तू एक जुगनू है पर इतना गुरूर है तुझको, हम एक सूरज है मगर सर झुका के मिलते हैं। जुगनू है पर इतना गुरूर है तुझको, हम एक सूरज है मगर सर झुका के मिलते हैं। मैं बहुत बार आसमां पे मिल लिया तुझसे, मैं बहुत बार आसमां पे मिल लिया तुझसे, आपके मिलना है तो जमीन पे आके मिलते हैं, आपके मिलना है तो जमीन पे आके मिलते हैं। लोग कहते हैं तू, लोग कहते हैं तू नागिन सी लिपट जाती है, लोग कहते हैं तू नागिन सी लिपट जाती है, सो अपने जिस्म को संदल बना के मिलते हैं। लोग कहते हैं तू नागिन से लिपट जाती है, सो अपने जिस्म को संदल बना के मिलते हैं। ये खुश मिजाजी मेरी ज़हनियत नहीं नादान, ये खुश मिजाजी मेरी ज़हनियत नहीं नादान, एक तुझसे ही सिर्फ मुस्कुरा के मिलते हैं, एक तुझसे ही सिर्फ मुस्कुरा के मिलते हैं। हुसैन, अब किसी सनम की परस्तिश ना कर, सनम इज अ इज एन आइडल और परस्तिश इज वर्शिप, कि हुसैन अब किसी सनम की परस्तिश ना कर, यहाँ पत्थर में भी तेवर खुदा के मिलते हैं। किसी सनम की परस्तिश ना कर, यहाँ पत्थर में भी तेवर खुदा के मिलते हैं। एक और गजल की तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, और बेईमानी का मतलब तो मेरे ख्याल से आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। बेईमानी बुरी की जा रही है, बेईमानी बुरी की जा रही है, गलत तारीख लिखी जा रही है। जद मींस रीच, बेईमानी बुरी की जा रही है, गलत तारीख लिखी जा रही है। तुम ही एक मौत की जद में नहीं हो, तुम ही एक मौत की जद में नहीं हो, मेरी भी कब्र खोदी जा रही है। तुम ही एक मौत की जद में नहीं हो, मेरी भी कब्र खोदी जा रही है। मेरे जश्नों में भी कोई नहीं था, मेरे जश्नों में भी कोई नहीं था, मेरी मैयत भी सुनी जा रही है। मेरे जश्नों में भी कोई नहीं था, मेरी मैयत भी सुनी जा रही है। कलाई की नसें काटी है तुमने, कलाई की नसें काटी है तुमने, तो फिर क्यों जान मेरी जा रही है, तो फिर क्यों जान मेरी जा रही है। गिराने आया था दीवार जो मैं, गिराने आया था दीवार जो मैं, मेरे ही सिर पे गिरती जा रही है। और है बुजदिल सांप यूं तो आस्ती के, आस्ती समझते हैं आप? नहीं जी। कि है बुजदिल सांप, दिस इज अ आस्ती, है बुजदिल सांप यूं तो आस्ती के, पर एक नागिन है डसती जा रही है। बुजदिल सांप यूं तो आस्ती के, पर एक नागिन है डसती जा रही है। और मेरा दुश्मन नमाजी क्या बना है, रिलीजियस की मेरा दुश्मन नमाजी क्या बना है, दुआएं सब कबूली जा रही है, दुआएं सब कबूली जा रही है। तेरे दरिया से क्या शिकवा करूं मैं, तेरे दरिया
से क्या शिकवा करूं मैं, मेरी कश्ती ही डूबी जा रही है, मेरी कश्ती ही डूबी जा रही है। शय का मतलब होता है चीज, कि हुसैन अब वक्त रुखसत का है, शायद रुखसत होने जाना, कि हुसैन अब वक्त रुखसत का है, शायद तेरी हर शय समेटी जा रही है, तेरी हर शय समेटी जा रही है। और एक एक गजल कुछ दो चार चीज मार हुआ कि गो का मतलब होता है ऑल्दो, लगे रहा कि गो कदम उम्र भर हम बढ़ाते रहे, गो कदम उम्र भर हम बढ़ाते रहे, जो थे आगे हमेशा वो आगे रहे। गो कदम उम्र भर हम बढ़ाते रहे, जो थे आगे हमेशा वो आगे रहे। तुम जमाने के बन के रहे और हम पागलों की तरह बस तुम्हारे रहे। तुम जमाने के बन के रहे और हम पागलों की तरह बस तुम्हारे रहे। लोग जो हाथ अपने ना फैला सके, लोग जो हाथ अपने ना फैला सके, बारिशों में खड़े होके प्यासे रहे। बारिशों में खड़े होके प्यासे रहे। दाने दाने पे यूं तो लिखा था मगर, दाने दाने पे यूं तो लिखा था मगर, गैर के मुंह में मेरे निवाले रहे, गैर के मुंह में मेरे निवाले रहे। और नक्शे पा का मतलब होता है कि पैरों के निशान, और आपला पा का मतलब होता है पैरों के छाले। दिख तेरे वास्ते अब लापा मेरे, पैरों के छाले, दिख तेरे वास्ते अब लापा मेरे, खून के नक्शे पा छोड़ जाते रहे, खून के नक्शे पा छोड़ जाते रहे। आखिरी शेर की, दिल के बाजार की उम्र भर ऐ हुसैन, दिल के बाजार की उम्र भर ऐ हुसैन, लोग आ आ के कीमत लगाते रहे, लोग आ के कीमत लगाते रहे।